सो हेलो एंड वेलकम टू बरो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज है 11 जनवरी और अभी हो रहे हैं करीबन सुबह के 5:14। और मेरा भैया स्टेशन पे पहुंच चुका है और ऑटो से आ रहे हैं, और कोई एक और सवारी थी साथ में जो कि लवली के अंदर उतरने वाली थी, तो वो अभी लवली में है और बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और आज से जो मेरी घर वापस जाने की उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। और मतलब काफ़ी मेरे को बुरा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है घर जाने की, बट समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है कि खुश हो या रो, क्योंकि पता नहीं वापस कब आना होगा। और जितने भी दिन बचे हैं हमारे पास, 3 दिन, 11, 12, 13, इन 3 दिन को हम पूरा जीएंगे। लाइक जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग शेयर करेंगे, जैसे कि मैंने बात की थी अपने पहले ब्लॉग में। तो चलिए अभी उनका वेट करते हैं और उनके आते फिर कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। हाँ तो भाई, यहाँ सुबह सुबह देख लो अभी काफ़ी कोहरा हो रहा है और भैया बस आने वाला है, वो सामने कैब आ गई, उसी में भैया आ रहा है। तो सुबह सुबह ठंडी, और आज शायद लवली जाएंगे, लवली के बाद रात में हवेली जाएंगे हम लोग और फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई साहब, वेलकम टू पंजाब। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए हैं LPU मींस लवली, और यहाँ बैठे हैं मेरे भैया, से हाय। तो उनकी वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी तो उनने वीडियो बंद करा दी, अब अच्छे आ रहे हो। तो अब ठीक है, नहीं बेकार, अब भी बेकार। तो अभी हम लोग थोड़ा लवली घूमेंगे, और अभी हम यूनी मॉल गए थे और यूनी मॉल के बाद अभी यहाँ पे लवर्स पॉइंट, जैसे कि आप लोग जानते हो, रोबोट के पास हम लोग बैठे हैं। अब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद शाम में जलंधर जाने का प्लान बन रहा है। यहाँ के राइस बोल भी खाएंगे जो कि यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते ही हो। राइस बोल खाने के बाद जलंधर चले जाएंगे, जलंधर के बाद जाएंगे वापस से हवेली शाम को, क्योंकि दिन में तो आपने देख लिया लाइक हवेली कैसी लगती है। मैंने सोचा रात में भी आप लोगों को दिखा दूँ कि लाइटनिंग वगैरह और सारी चीज़ें वहाँ पर कैसी रहती हैं, और आसपास थोड़ा और खाने पीने का देखेंगे। लाइक जैसे कि कल मैंने बताया था थोड़ा एक्सपेंसिव है कि आसपास में कि कम रेट में कुछ अवेलेबल होता है या नहीं होता, सो वो सारी चीज़ें जाके एक्सप्लोर करते हैं। और यार थोड़े सिनेमेटिक्स आज भी देख लो LPU के, आखिरी टाइम, तो पता नहीं फिर कब आना होगा। सो लेट्स गो। फिलहाल हम लोग हैं इंडोर स्टेडियम के अंदर, और ये रहा स्विमिंग पूल, जैसे काफ़ी लोग देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो फाइनली मैं स्विमिंग पूल में आ गया हूँ, और यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हो कितना बड़ा है, और ऊपर लाइक सामने फिटनेस के लिए मशीन्स लगी हुई हैं अगर आप लोग जिम वगैरह करना चाहते हो, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा फिटनेस ही इंपॉर्टेंट रहती है स्विमिंग के अंदर और वेट वगैरह, तो उन सब चीज़ों की भी यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है और यहाँ पे सारी चीज़ें रखी भी हैं। सो चलते हैं अभी कहीं और। तो अब हम लोग घूम घूम के थक चुके हैं, जैसे कि आपने देखा हम स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर भी। तो इस बंदे को बहुत भूख लग रही है, तो अपने लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं भाई राइस बॉल खाने ओवन एक्सप्रेस के। देखते हैं भैया भी आए हैं इतनी दूर से, तो उनको भी देखते हैं पता नहीं कैसा लगेगा राइस बॉल, उनको भी टेस्ट कराते हैं फिर देखते हैं क्या कैसा रहता है। अभी जलंधर जाने का ही प्लान बन रहा है, अब जलंधर में कहाँ जाएंगे खाने जाएंगे ये अभी प्लान्ड नहीं है, कैसे जाएंगे ये भी प्लान्ड नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग फूड कोर्ट आ चुके हैं और हमने यहाँ पे पनीर राइस बॉल ले लिया है, तो कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया है, अब देखते हैं खाते हैं इसको, फिनिश करते हैं फिर देखते हैं जलंधर कैसे जाना है। तो अब हम लोगों ने एक चीज़ भर का रोल ले लिया है जिसको 1/2 करा लिया है क्योंकि पेट भर चुका था हमारा, अब इसको भी टेस्ट करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं जलंधर और ये लोग हमारे साथ हैं, उत्कर्ष खा गया आ जाए। तो यहाँ पे देवीतला मंदिर ये रहा पीछे, और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं देखते हैं कैसा मंदिर है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये रहा यहाँ पे बोर्ड एंट्री देवीतला मंदिर की, तो लेट्स गो।
मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये एंट्री है लाइक यहाँ से हम लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा यार अच्छी वाइब आ रही है मेरे को। चलो बाकी अंदर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे शूज़ घर है तो यहाँ पे जूते उतार के जमा कर देते हैं और फिर चलते हैं। तो इधर से मंदिर की एंट्री है और इधर इधर ये तालाब टाइप का जीव टाइप का है और उधर लाइक भजन चल रहा है। यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है मेरे को यहाँ पे आके। तो आप लोग यहाँ पे अगर रह रहे हो लाइक एलपीयू में या फिर आसपास कहीं तो यहाँ पे ज़रूर घूम के जाना। तो ये उत्कर्ष है, तो ये भैया है जो यहाँ से एलपीयू से बीटेक कर रहे हैं। अरे अरे मेरे भैया, तो चलते हैं अंदर मंदिर। तो यहाँ पे ये झील टाइप का है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रंग बिरंगी मछलियाँ है, आंखों के लिए भी दिख रही होंगी, काफ़ी अलग अलग कलर की लाइक ऑरेंज और ब्लैक ग्रे कलर की। यहाँ पे लिटरली बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो जैसे ही आप दाने वगैरह कुछ फेंकते हो ना तो ये तब देखो इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को पता चली, लाइक ये इनको किंगफिशर बर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दाना फेंकते हो तो ये उसे उछल के पकड़ के खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे ही कोई बैठता है फिर वैसे हम देखते हैं ये तो उड़ गए। तो हम जा रहे हैं माता जी श्री वैष्णो देवी जी की गुफा में, जो कि बिल्कुल खाना जैसा लग रहा है, वैष्णो देवी जैसा लग रहा है। और यहाँ पे सामने कुछ वैसा ही फील आ रहा है मेरे को, काफ़ी अच्छा सा शेड भी है नीचे को और सामने इस तरीके से गुफा बनी हुई है, शायद इसी के अंदर से हम लोगों को जाना है। और अंदर चलते हैं और देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं यार, और काफ़ी तगड़ी वाइब आ रही है मेरे को, लाइक मेरे को पता जो गुफाएं होती है लाइक वैसी एकदम तगड़ी वाली फील है। ओ भाई फ्लैश ऑन करना चाहिए था। चलो 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 चलो, लाइक दिस इज द रियल एडवेंचर यार। चलो वाओ तो चलो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, चलो चलते चलो। यहाँ पे बसान नीचे गिर गया। ओके चले जाना। यहाँ गुफा खत्म होती है और यहाँ पे ऊपर अंदर जाने का रास्ता इधर से है मंदिर का। द प्लेस इज नाइस, और मैं बोलूँगा हवेली से ज़्यादा यहाँ पे आपको घूमना चाहिए, क्योंकि थोड़ा तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, आपके पाप भी धुल जाएंगे। और उत्कर्ष ने तो इतने पाप किए हुए हैं, तो ये मंदिर ही मंदिर भटक रहा आखिरी टाइम पे, ताकि इसके थोड़े से पाप तो कम हो ही जाए। तो अब हम वापस एक और गुफा के अंदर जाने वाले हैं। आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये अभी उसी मंदिर की रास्ता चल रही है जहाँ पे हम लोग जा रहे थे, राइट। सो चलते चलते जाओ, यहाँ पे फोटोज वगैरह भी काफ़ी अच्छे आएंगे। और आप लोग फोटोज वगैरह खींचने के हिसाब से भी जाना चाहते हो ना, तो फोटोशूट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगेन वो पाप धोने आया या फिर मजे लेने, समझ नहीं आ रहा। हम यहीं पे एक और मंदिर में आए, लाइक मंदिर के अंदर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। आई थिंक काली भद्र काली मंदिर है ये। तो ये जो यहाँ पे मंदिर है
प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ मंदिर, उसकी पीछे की जो स्टोरी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। लाइक किस वजह से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है ना, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो यहाँ लिखी हुई है। तो अभी हम लोग हैं रंगला पंजाब हवेली के बराबर में, एक जगह है रंगला पंजाब, वहाँ पे हम अभी अंदर पता करने जा रहे हैं लाइक कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। हवेली तो हम एक्सप्लोर किए ही हुआ है, अभी हम हवेली में भी जाएंगे। हाँ पूछ लिया, तो फिलहाल हम लोग हवेली पहुंच चुके हैं और रंगड़ा पंजाब का मैंने आपको दिखा दिया था कि क्या सीन था, और पीछे हवेली है यार। और रात में जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये जगह लग रही है। और पीछे वहाँ पे ऊपर लाइक पंजाबी में लिखा हुआ है हवेली और इंग्लिश में भी आगे लिखा हुआ था। और इधर ये रहा पीछे वो गेमिंग स्पॉट और इधर रहा हवेली अपना मेन रेस्टोरेंट। अभी रेस्टोरेंट में भी शायद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, और बाहर अगर आपको चाय या फिर वही अमृतसरी नान वगैरह आपको खानी है तो आप लोग खा सकते हो। और अभी मैं थोड़ा सा शूट करूंगा कि रात में हवेली कैसा लगता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो लाइक वीडियो में देख कर कि आपको दिन में जाना चाहिए या फिर रात में जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे एक अंदर पास में बिल्कुल बराबर में एक गेमिंग जोन है, तो गाड़ी का चार्ज है, गाड़ी चलाना चाह रहा है यहाँ पे आके बच्चे वाली, तो शायद देखते हैं अगर इसको चलानी है तो यहाँ पे आके अपने गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो चलो चलते हैं, ये लोग मेरे चक्कर में परेशान हो गए बेचारे। हम वापस से जा रहे हैं हवेली के अंदर। पिछली बार मेरे को नाम नहीं पता था, बट जिस बार मेरे को नाम पता है, इसी जगह को इसी रेस्टोरेंट को हवेली बोलते हैं। तो रात में आप लोग देख सकते हो लाइक कैसा लग रहा है हवेली। और ये यार काफी गर्म है, मतलब एसी चल रही है, गर्म एसी। ये यहाँ पाजी बैठे हुए हैं जो कि हमें फर्स्ट टाइम दिए लगे थे। यहाँ पे काउंटर है और इस तरीके से बैठने गए, और रात में ही यार मजा है, मैं तो ये बोलूँगा इतनी प्यारी जगह है। दिन में तो यार सब कुछ मतलब थोड़ा वैसे ही रहता है, बट रात में ज़्यादा ही ठीक लगता है। तो लाइक आप ऊपर अगर वैसे बैठ के खाना चाहते हो या फिर इधर खाना चाहते हो। तो हमने अभी एक पनीर डोसा और आलू टिक्की भी छोले ऑर्डर किए हैं, और यहाँ पे अंदर प्रिपेयर हो रहा है, और यहाँ से माँ से सामने से वो आलू टिक्की भी छोले ले रहा है, और इधर हमारे डोसे बन रहे हैं, तो भैया सामने डोसे बना रहे हैं। आप यहाँ पे टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। तो थोड़ा टाइम और उसके बाद बस पेट पूजा। तो ये हमारी आ चुकी है आलू टिक्की विद छोले। इसमें टिक्की देखते हैं, खाते ढूंढते हैं, ऊपर से छोले डाले हुए हैं, प्याज वगैरह भी डाली हुई है, क्योंकि पंजाब में प्याज के बिना कुछ मिल जाए था वो नहीं रखता। तो नीचे आलू है, आलू की टिक्की और ऊपर से छोले डाले हुए हैं, काफ़ी गर्म गर्म है। अभी हम अपने डोसे का, पनीर डोसे का इंतजार कर रहे हैं, जैसे पनीर डोसा आएगा फिर दोनों चीज़ों का मजा एक ही साथ लेंगे।